जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन से जैफ़ी भाई किधर गायब हो गए थे, तो बस कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हुआ था और कुछ थोड़ी सी तबीयत ना ख़राब हुई हुई थी, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। उसके लिए बहुत बहुत माजरत। लेकिन अब डेली इंशाल्लाह रेगुलरली अपनी रूटीन के साथ ही वापस आ गए हैं इंशाल्लाह। तो अब डेली व्लॉग्स अपलोड किया करेंगे। आज जो लोग इधर चैनल पे नए आए हैं उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और जो पुराने हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी थोड़ी सी हौसला अफज़ाई मिले। आज मौसम काफ़ी बेहतर है पहले से, धूप निकल रही है और हवा तो आपको पता है क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं तो हवा तो ठंडी साथ साथ चलनी ही है, तो हवा तो चल रही है लेकिन माशाल्लाह से मौसम काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए अभी अभी नाश्ता किया है, खुद फ्रेश होया हूँ, तो पानी का ये देख लें, पानी फिलअप कर लिया है मैंने पानी फिलअप कर लिया है। अब जाते हैं एवरी में। रात को मैंने सफाई वगैरह सारी कर दी थी और जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख लिया है कि माशाल्लाह से मेरी जावा ने बच्चे निकाले हुए हैं, सिल्वर जावा के दोनों पेयर्स के बच्चे निकल आए हैं, एक के तीन बच्चे एक के दो बच्चे। माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, कि आप लोग माशाल्लाह नहीं बोलते तो फिर मेरे बर्ड्स को नज़र लगती है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको बच्चे कैसे लगे हैं। अभी जाते हैं एवरी में, उन्हें दाना पानी भी डालते हैं और आपको चिंकू मिंकू भी दिखाते हैं उनकी भी वो कैसे हैं। अब तो काफ़ी वो बड़े हो गए और उसके पेरेंट्स ने भी दोबारा एग्स ले कर दिए हैं, तो वो भी माशाल्लाह से फर्टाइल हुए हैं। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जो बच्चे फिंचेस के निकले थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो सब काफ़ी बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके ऊपर तो फीवर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो चले आए, अभी जाते हैं अपने बर्ड्स रूम के अंदर। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जैफ़ी भाई ने तो बोला था कि भाई मिनी जू में एक रूम तैयार कर रहा हूँ, तो वो अभी तक आपने नहीं शो किया। तो वो भाईजान सारी बात हो गई है, उससे लकड़ियाँ आ गई हैं जिससे उसके फ्रेम बनना है। अब वो जो बनाने वाला है वो थोड़ा कहीं बिज़ी हुआ, वो उसने मुझे एक हफ़्ते का टाइम दिया कि भाई मैं एक हफ़्ते में आ जाऊँगा और आपको बना दूँगा। तो अब उसका इंतज़ार है, वो जैसे ही आता जाएगा तो इंशाल्लाह मिनी ज़ू में भी काम स्टार्ट हो जाएगा और उधर बड़े मज़े मज़े के जानवर और परिंदे लेके आने के इरादे हैं। कुछ तो यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा जावा, आपके पास पता है कि मेरे पास पट्टे पड़े हुए हैं, उसकी दो कॉलोनियाँ बना के उधर दो वो लगा देंगे। और रैबिट लाने का इरादा है, डक्स लाने का इरादा है, मुर्गे तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो आगे मेरा ये इरादा है। देखें फिर अल्लाह पाक खैर करेंगे जैसे होगा। तो चले आए, अभी जाते हैं बर्ड्स रूम में और बर्ड्स को रूम में जा कर उन सबको दाना पानी डालते हैं और आपको जो चिक्स निकले हैं, जो नई प्रोग्रेस है वो आपको दिखाते हैं। जी आप लोगों ने कल मेरी एक स्टोरी के ऊपर वीडियो देखी होगी कि कुछ नेचुरल बर्ड्स यहाँ पे उड़ रहे थे और ये जो सामने वाली ये वाली जो वायर्स है इधर बैठे हुए हैं। आज सुबह में मैं इधर देख रहा था कि यार वो बर्ड्स किधर गए जो इधर बैठे हुए थे, तो अभी अभी मैं बर्ड्स रूम में जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ी कि वो इस वाली तारों को छोड़ कर उस तार पर चले गए, क्योंकि कल मैं यहाँ से जब जा रहा था ना बाहर तो मैंने उन्हें नीचे से पत्थर मारा था कि भाई ये उड़ जाए, तो आज वो यहाँ से उठ के तो वहाँ वो जो दूर वाली वो वाली जो तार है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस पे जा के वो बैठ गए हैं माशाल्लाह से। ये हमारी ज़बान में तो हम ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से उड़ के, ये चेक करें। हमारी ज़बान में तो इसे अबाबील कहते हैं हम लोग, आपकी ज़बान का मैं नहीं पता क्या आप लोग इन्हें क्या कहते हैं। लोगों ने बड़े घोंसले बनाए हुए हैं हमारी मस्जिद में, हमारे घर के साथ ये जो मस्जिद है इस मस्जिद में उन्होंने बहुत से घोंसले बनाए हुए हैं। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है उड़ती हुई। जो आज़ाद परिंदा है वो फ़िज़ा में अच्छा लगता है, जितना वो उड़ रहा होगा उतना वो अच्छा लगता है। कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई आपने तो परिंदे कैद किए हुए हैं, आपको गुनाह होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो भाई ये कैप्ट वाले हमने जो परिंदे कैद किए हैं वो कैप्ट बर्ड्स हैं, वो उन्हें वो पैदा ही केज में हुए हैं, उन्हें केज का ही पता है, केज के अलावा उन्हें बाहर पता नहीं है, ठीक है। हमने कई सारे बर्ड्स आज़ाद किए थे, वो आज़ाद करते सारी उन्हें कोई ना कोई कवा पड़ जाता है, चील पड़ जाती है या बिल्ली के हाथ वो चढ़ जाते हैं और फिर बस ख़त्म। तो इसलिए जो कैप्ट बर्ड्स होते हैं वो कैद में अच्छे लगते हैं, जो आज़ाद होते हैं वो आज़ाद अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं जा रहा था बर्ड्स रूम में, मैंने कहा ये भी आपको मैं पहले दिखा दूँ, तो चला है अभी मैं जाता हूँ बर्ड्स रूम में।
जी ये मैं बर्ड्स रूम में आ गया हूँ माशाल्लाह से, सबको मैंने दाना पानी डाल दिया है। ये देखिए सारे बर्ड्स अपने मज़े से दाना पानी इंजॉय कर रहे हैं। ये सबको मैंने दाना पानी डाल दिया है माशाल्लाह से। तो चले आए, अभी आपको दिखाते हैं सबसे पहले डव का। डव के बच्चे अंडे दिए हुए थे उसने, जिसने पहले अभी चिंकू मिंकू नहीं निकाले उसी ने डव इसे उठा के पहले नीचे रख देते हैं। उसी डव ने दोबारा ये देखे इधर एग्ज ले किए हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ये चेक करें, इसके नीचे तीन एग्स हैं। तीन एग्स इसके अपने नहीं हैं, दो एग इसके अपने हैं। एक एग मैंने एक और पेयर का शिफ्ट किया है, वो बड़ा डिस्टर्ब करता था, वो एग्स के ऊपर बैठता नहीं था और एग्स को फर्टाइल नहीं करता था। इस वाले पेयर का आज चेक करते हैं। इधर अभी चिक्स निकलने थे, ये भी पहले इधर से उठा के ऊपर रख देते हैं क्योंकि इसने तो हमेशा बेड़ा कराक ही करना है इसका, इसने कौन सा ब्रीड करनी है। अजीब अंडे दे के अनफर्टाइल करते, इसका भी इसको चेक करते हैं। इसका एक बच्चा निकलना था, ये देखें इसका एक बच्चा निकलना था। वो एग कौन सा था मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे ख्याल से ये एग है, वो नहीं ये भी नहीं है, ये एग है। ये देखें, मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये चेक करें, ये इसका एग टूटा हुआ है। अब इसमें से शायद बच्चा टूट गया है या अभी तक वो बना नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ये होया हुआ है बच्चा अंडे के अंदर ही मर गया है। एग का शेल हार्ड होने की वजह से ये देखें बच्चा अंडे के अंदर ही डेड हो गया है, वो बाहर निकल ही नहीं पाया। मैंने भी कहा जिसका आज तक बच्चा निकल आना चाहिए था, लेकिन अंडे का शेल हार्ड होने की वजह से बच्चा बाहर निकल ही नहीं पाया। सुबह सुबह बैड न्यूज़, लेकिन कोई नहीं, चलें अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी उसके अंडे पड़े हुए हैं तो वो उसमें से इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे। बस दुआ ये करें कि वो भी इसी की तरह अंडे ख़राब ना हो जाए। मुझे आइडिया था इसका कि क्योंकि इसका क्रैक लगा हुआ है और इसके डेज पूरे हुए हुए थे इस पेयर के तो बच्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन जो मेरे अल्लाह को मंजूर, बच्चा देखे कंप्लीट बना हुआ इसमें से नहीं निकला। सैड, ये चेक करें, कंप्लीट बना हुआ बच्चा एग शेल हार्ड होने की वजह से नहीं निकल पाया, जैसे मेरे मालिक को मंजूर। डेड हो गया, सैड, शायद ऐसे ही मेरे अल्लाह पाक को मंजूर होगा। चले कोई नहीं, अल्लाह पाक ख्याल करेंगे। अभी बाकी इसके एग्स पड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह वो भी, ये अभी यहाँ से फीमेल बाहर नहीं आई भी नहीं तो मैं आपको इनके भी एग्स दिखाता, सॉरी चिक्स दिखाता, मैं भी आपको फिंचेस के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो इधर फिंच बैठी हुई थी, ये चेक करें माशाल्लाह से, फीड एक को तो हुई भी है, अभी मेरे ख्याल से दूसरे को भी उसने फीड करवानी है। ये देखिए माशाल्लाह से फिंचेस के कितने अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, ये चेक करें। और इस वाली फिंच की भी फीमेल बैठी हुई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें अपनी ड्यूटी दे रही है, बैठी हुई है। चले अब निकल गई है तो एग्स दिखा दे। तो माशाल्लाह आप लोग ज़रूर बोला करें ताकि मेरे बर्ड्स को नज़र ना लगे। इस बेंगलाइज ने कल एग पॉट में दे दिया था, चलो भाई उतर जाओ। अभी इसका देखते हैं किसने क्या दूसरा एग भी दिया है या नहीं दिया, अभी तक इसने कोई दूसरा एग नहीं दिया। इस वाले आपको पता है कि पेयर के एग्स हो गए थे ख़राब, एक एग टूट गया था, कहीं गुम हो गया था, और एक एग मैंने फर्स्ट कर दिया था लेकिन वो भी फर्टाइल नहीं हुआ। इसके नीचे भी इधर भी मैंने कुछ पेयर इसने अपने एग्स दिए हैं और कुछ दूसरे रखे हुए हैं, माशाल्लाह से इसके सारे एग्स फर्टाइल हैं। तो आप लोग भी, ये वाले वो बर्ड्स हैं
ठीक है, जावा जो उधर मैंने कॉलोनी में छोड़ने हैं, इसकी भी फीमेल अभी बाहर आई है, तो अभी इसका भी चेक कर लेते हैं क्या इसने कोई एग शेग ले किया है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से दिनों से अंदर बैठ रही है लेकिन इसने अभी तक कोई एग ले नहीं किया। चलिए इंशाल्लाह जल्द ये भी कर जाएगी। वाइट वाला पेयर है, वाइट जावा के इधर भी है, इसका भी देखते हैं, इसने भी अभी तक कोई एग नहीं ले किया। एक और इधर सिल्वर जावा का पेयर है, इसका चेक करते हैं, इसने भी कोई एग लेंगे नहीं कि मैं इधर से अगर आपको दिखा पाऊँ तो वो उधर उसमें बॉक्स में वो बैठी हुई है फीमेल्स, अगर तो वो अभी इधर बाहर आती है। जो देखें ये वाला पेयर भी पता नहीं एग्स क्यों नहीं ले कर पा रहा है, इसकी वजह नहीं समझ आ रही क्या वजह है, वो देखिए ये सारी डव्स इधर, डव मेरी बड़ी आसानी से पाल रही हैं, एक्स्ट्रा खाना जो भी इधर नीचे होता है वो करती हैं, गिरता है नीचे वो ये खा जाती हैं। ये मेरा चिंकू तो इधर है, तो मिंकू वो देखिए मिंकू ऊपर चला गया, बड़े वाला मिंकू था, छोटे वाला चिंकू था, तो ये इधर है माशाल्लाह से। तो अभी जो थोड़ा क्लियर होगा तो पता चलेगा कि इसकी कौन सी म्यूटेशन है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसका भी चेक करेंगे। तो ये वाला मेरा सिल्वर का पेयर है, ये वाला पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, पता नहीं इसे क्या मसला है, ये एग्स क्यों नहीं ले कर पा रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि ये वाला पेयर भी मेरा माशाल्लाह से एग ले कर दे। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसको इसमें फीमेल बैठी हुई है अपने चिक्स के ऊपर, ये चेक करें माशाल्लाह, इसकी भी फीमेल ये बैठी हुई है, इसके नीचे इसके तीन चिक्स हैं, इस वजह से ये देखिए भी बाहर निकल गई है, उसके नीचे इसके तीन चिक्स हैं, उसने अभी तक फीड नहीं करवाई, दोबारा अभी फीड कराए तो फिर बात है। इसके भी कल रात को एक चिक निकल आया था, दूसरा निकलना था, वो भी जो एक निकला है वो मेरे ख्याल से डेड हो गया है। ये अभी तक देखिए जिंदा है, दिन को आके इसको चेक करेंगे, अगर तो इसे फीड हो गई, इसने फीड करवा दी फिर तो गुड है, अगर ना इसने फीड कराई तो ये वाला चिक उठा के इस चिक के साथ हम फोस्टर कर देंगे, क्योंकि रात तक तो इसको बड़ी अच्छी फीड हुई हुई थी, तभी दोबारा इन्होंने फीड नहीं करवाई। तो इधर 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 का वो एक एग था डव का जो मैंने उठा के इधर फोस्टर किया था, वो देखें डांस कर रही है माशाल्लाह से, जनवा मेरी डव मेरी। तो आज का व्लॉग इतना ही था, आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।